गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ट्रांसफार्मर की बात करी थी, ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल देखा था, कंस्ट्रक्शन देखी थी, ईएमएफ इक्वेशन देखी थी, ट्रांसफार्मर के लॉसेस देखे थे, और लास्ट में मैंने 3 बजे लेक्चर लिया था उसमें इफिशियंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करी थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर का नो लोड सर्किट एंड नो लोड फेजर डायग्राम। ये जो टॉपिक है ये आगे एक टॉपिक है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसमें आपको यूज किया जाएगा ये वाला पूरा सर्किट। तो एग्जाम में पूछा जाता है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो आज 3 बजे जो लेक्चर लगेगा उसमें वो टॉपिक कवर होगा ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, 7 नंबर का हर साल आता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नो लोड सर्किट एंड नो लोड फेजर डायग्राम। वर्ड से समझे नो लोड सर्किट। नो लोड का मतलब क्या है, पिछली क्लास में मैंने बोला था जो लोड होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर वो 4-5 तरह के होते हैं, जैसे फुल लोड, हाफ लोड, नो लोड, क्वार्टर लोड। फुल लोड का मतलब क्या है, चारों बल्ब जले। नो लोड का मतलब एक भी बल्ब नहीं जल रहा। तो ऐसे ही अगर सेकेंडरी में कोई भी लोड नहीं है, यहाँ जो सेकेंडरी साइड है इस सेकेंडरी साइड में अगर कोई भी लोड नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नो लोड। और अगर सेकेंडरी में कोई लोड नहीं है, कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो करंट I2 कितनी होगी, 0 होगी। अगर कोई लोड लगा है तो उसमें करंट फ्लो होती है, लोड है ही नहीं तो करंट की करंट 8 प्राइमरी IW, दूसरा होगा IM। IW को हम कहते हैं एक्टिव करंट, और बुक में इसका नाम लिखा होगा एक्टिव कंपोनेंट। और दूसरा नाम होता है IM। IM को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, कर क्या रहे हैं हम, नो लोड सर्किट बना रहे हैं, एक नो लोड फेजर डायग्राम बना रहे हैं। तो ये कैसे आएगा, जब आप सेकेंडरी में कोई भी लोड नहीं लगाओगे तो उस केस में जो प्राइमरी में करंट फ्लो होगी वो कहलाती है I0, और I0 को कहते हैं नो लोड करंट एट प्राइमरी साइड। इस I0 के दो भाग होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है IW, दूसरा होता है IM। तो ये जो सर्किट मैंने अभी बोर्ड पे बनाया है इसमें यहाँ रेजिस्टेंस है R0, रिएक्टेंस है X0, रिएक्टेंस के लिए X0, रेजिस्टेंस के लिए R0। यहाँ ये जो नॉट दिख रहा है गोले, इसको हम बोलते हैं नो लोड। नो लोड का सिंबल कैसा होगा, ऐसे गोले बनाएंगे, नो लोड सर्किट एट प्राइमरी साइड। तो ये जो सर्किट मैंने बनाया है ये कहलाता है नो लोड सर्किट एट प्राइमरी साइड। ठीक है, I0 यहाँ से आई, दो भागों में डिवाइड हुई, कौन कौन से, IW एंड IM। IW किसमें जा रही है, R0 में जा रही है। IM किसमें जा रही है, X0 में जा रही है। IW को फिर कैसे रिपीट कर रहा हूँ, IW को कहते हैं एक्टिव करंट और IM को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। यहाँ पर I0 यहाँ बनेगा प्राइमरी साइड में, इसको हमने बना लिया डायग्राम को। अब यहाँ हमने एक फेजर बनाया जिसमें यहाँ इस जगह पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने IM लिखा, IM मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट, वर्टिकल पे हमने लिखा है IW, वर्टिकल पे लिखा IW, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो कहलाता है I0। इट मीन अगर मुझे I0 की वैल्यू निकालना है तो आप बोलोगे IW प्लस IM। I0 कहलाता है नो लोड करंट, IW कहलाता है मैग्नेटाइजिंग करंट, IW कहलाता है एक्टिव करंट सॉरी, और IM कहलाता है मैग्नेटाइजिंग करंट। अब हम इस फेजर की अगर बात करें तो इस फेजर में यहाँ लिखा है IM। IM क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट, IW एक्टिव करंट, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा, उस रिजल्टेंट का नाम क्या होगा, I0। वही चीज मैंने यहाँ बोली कि इस I0 के दो भाग होंगे IW और IM। तो यहाँ हमने रिजल्टेंट लिख दिया I0, ये एंगल कहलाता है ϕ0। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में ये है IW, ये है I0 और ये है IM। ये वाला जो है ये है IM, ये नीचे लिखा है IM के ऊपर लिख दिया। अगर मुझे यहाँ से cos phi 0 निकालना है, cos theta बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो बेस कितना है, बेस ये होगा आपने लिखा IW, और कर्ण कितना होगा, हाइपोटेन्यूस, वो होगा I0।
तो यहां से अगर हमें IW की वैल्यू निकालना है तो एक फॉर्मूला मिलेगा। अगर मुझे साइन फाई निकालना है या साइन फाई नॉट निकालना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो लंब कितना है यहाँ पर, इस केस में लंब आएगा आपका IN और हाइपोटेनियस आएगा आई नॉट, को आपने लिख दिया आई नॉट। यहाँ से अगर आप IN की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, दोनों को देखते हैं, तो IW बराबर हमारे पास मिलेगा I naught cos phi 0, और IM अगर निकालना है तो फॉर्मूला होगा हमारे पास I naught sin phi naught। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। IW निकालना है तो फॉर्मूला I naught cos phi, IM निकालना है तो I naught sin phi, जहां cos phi को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। IW क्या कहलाता है, एक्टिव करंट, IL क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट, और I नॉट क्या कहलाता है, नो लोड करंट एट प्राइमरी साइड। ठीक है, इतना होता है, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चल अब यहां पर हमको एक चीज मिल गई, क्या मिली है कि IW बराबर होता है I नॉट cos phi 0, और IM हमको मिला वो मिलेगा I नॉट sin phi 0। ये दो फॉर्मूले हैं, इस पहले को कहते हैं एक्टिव करंट, नो लोड करंट, cos phi पावर फैक्टर, IM मैग्नेटाइजिंग करंट या कंपोनेंट, I नॉट नो लोड करंट एक प्राइमरी साइड, जहां भी नॉट दिखे मतलब वो नो लोड करंट है, कहां पर फ्लो होगी वो करंट, प्राइमरी साइड पे फ्लो होगी, और sin phi 0 cos चल जाएगा। अब यहाँ का x0, यहाँ का r0, इधर का I0, इस जगह का अपना IW, इधर का IM, ये सर्किट कहलाता है नो लोड सर्किट। यहाँ पर अगर मुझे ओम्स लॉ लगाना है इस सर्किट में, ध्यान से देखिए, इसमें ओम्स लॉ लगाना है तो V इक्वल टू होता है IR, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, R0। इस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, IW।
और जो इसमें वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम बोलेंगे वी नॉट। वी नॉट मतलब होता है प्राइमरी साइड वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है प्राइमरी साइड में वो कहलाता है वी नॉट। तो ओम्स लॉ से हमने ये फॉर्मूला बनाया, और अगर मुझे आर जीरो निकालना है तो फॉर्मूला होगा आई नॉट वी नॉट अपॉन आई डब्ल्यू, वी नॉट अपॉन आई डब्ल्यू। समझ में आई बात? तो अगर आर जीरो कहीं निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो बोलेंगे वी नॉट अपॉन आई डब्ल्यू, वेयर आई डब्ल्यू क्या कहलाता है? आई डब्ल्यू कहलाता है एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव करंट। ऐसे ही आगे देखें, अगर मुझे यहाँ इसमें वोल्टेज निकालना है तो क्या लिखेंगे अपन? V equal to IR, तो R की जगह अपन लिख देंगे X0, R नहीं लिखेंगे अब X0 लिखेंगे, और इस X0 में करंट कौन सी जा रही है? देखिए IM जा रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे IM, यहाँ आ जाएगा V0, सेम। तो अगर मुझे X0 निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहलाएगा? V0 upon IM, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये एंड सेकंड फॉर्मूला ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगली क्लास जो 3 बजे अपन की आज होगी उसमें ये दोनों चीजें लगेंगी, आर जीरो भी लगेगा और एक्स जीरो भी लगेगा। आर जीरो निकालने का फॉर्मूला वी नॉट अपॉन आई डब्ल्यू, और एक्स जीरो निकालने का फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन आई एम, वेयर आई एम बराबर कितना? आई नॉट इंटू साइन फाइ, और आई डब्ल्यू बराबर कितना? आई नॉट इंटू कॉस फाइ। तो ये हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वैल्यू निकलेगी और फिर ये वैल्यू निकलेगी। और R0 एंड X0 को हम कहते हैं नो लोड पैरामीटर। नो लोड पैरामीटर्स R0 और X0 कहलाते हैं नो लोड पैरामीटर्स। यहाँ R0 और X0 ही निकालने को पूछा जाता है तो उसको हम बोलेंगे नो लोड पैरामीटर। इसको काट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नो लोड सर्किट एंड नो लोड फेजर डायग्राम। इसमें लास्ट में हमें R0 और X0 ही निकालना है। स्टार्टिंग में हमें IWIM निकालना है, उसके बाद R0 और X0 निकालना है। हो गया? ये कहलाता है नो लोड सर्किट, और यहां जो मैंने एक फेजर डायग्राम बनाया था वो कहलाता है नो लोड फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर में। मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट इस बार आपको हैं, और 4 में से जो सबसे ज़्यादा रुकेगा वो बी ट्रिपल ई ही रुकेगा। बी ट्रिपल ई में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को टफ पड़ेगा। बाकी थ्योरी के पोर्शंस हैं सब में, सब सब्जेक्ट्स में, वो आपसे निकल जाएंगे, बी ट्रिपल ई नहीं निकलेगा। आप अपने पुराने जो सीनियर हैं उनसे आप पूछोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है, बी ट्रिपल ई के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रेक होते हैं।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है और बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, जितना हो रहा है उतना पूरा अपडेट करें, पूरा कॉपी में उतारें, पूरी कॉपी अपडेट कर लें, कहीं पर भी कुछ भी आप लोग छोड़ें नहीं, क्योंकि पेपर बहुत टफ आता है BEEEEE का। अगर आपने BEEEEE में मेहनत नहीं करी तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग BEEEEE में मेहनत करिए। अब अगली हेडिंग डालना है अपन को वॉट मीटर। हाँ जी, टॉपिक का नाम है वॉट मीटर। इसको W से शुरू करते हैं, वॉट मीटर। इलेक्ट्रिकल के अंदर कुछ इक्विपमेंट होते हैं, जैसे सपोज वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, रेजिस्टेंस मीटर, टेकोमीटर, रियोस्टेट। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ओमीटर क्या करता है? रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ऐसे ही वाटमीटर होता है, वाटमीटर क्या करता है? पावर को मेजर करता है। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो उस पावर को मेजर करने के लिए हम वाटमीटर का यूज करते हैं। तो वाटमीटर क्या करता है? पावर को मेजर करता है। अब ये जो वाटमीटर होता है, इस वाटमीटर के अंदर दो कॉइल्स होती है। वॉट मीटर के अंदर दो क्वाइल्स होती हैं, ठीक है। ऐसी आपको दो क्वाइल्स मिलती है वॉट मीटर में। वॉट मीटर क्या करता है? पावर मेजर करता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर V इंटू I। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। यहां पर ये जो वॉट मीटर है, ये सिंबल वॉट मीटर का है। तो ऐसा कहीं अगर सर्किट बने, इसका मतलब वो क्या लगा है? वॉट मीटर लगा है। कहीं पर अगर ऐसा V दिख के गोला बना है, मतलब वो वोल्ट मीटर है। कहीं पर ऐसा आपको एम्पियर लिखा हुआ है, ऐसा गोला बना है, तो ये क्या है? एमीटर है। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। और ऐसा कहीं दिखे या W लिखा है, इसका मतलब वो क्या है? वॉट मीटर है। अब वॉट मीटर क्या करता है? पावर मेजर करता है। पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू I। यहां पर दो चीजें हैं, V भी है और I भी है। तो वॉट मीटर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल मोटी होती है और एक कॉइल पतली होती है, ठीक है। एक तार मोटा होता है, दूसरा तार पतला होता है। जो ऊपर वाला तार है, ये कहलाता है करंट कॉइल। ये कहलाता है करंट कॉइल, ये करंट बताती है। दूसरी ये जो कॉइल है, ये क्या करती है? ये वोल्टेज बताती है। तो करंट कॉइल अपना करंट बताएगी, वोल्टेज कॉइल अपना वोल्टेज बताएगी। वॉट मीटर दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको क्या करता है? रिजल्ट बताता है। यूनिट इसकी क्या होगी? वाट होगी। तो पहली चीज, वॉट मीटर क्या करता है? पावर को मेजर करता है, पावर बताता है। वॉट मीटर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, फर्स्ट कॉइल का नाम करंट कॉइल, सेकेंड कॉइल का नाम वोल्टेज कॉइल। फिर इसमें से जो करंट कॉइल होती है, वो मोटे वायर की होती है, जो पतला वायर है वो वोल्टेज कॉइल कहलाती है। अब बात कर लें रेजिस्टेंस की, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। किसका रेजिस्टेंस कम है, किसका ज्यादा है, वो समझते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = ρL/A। यहां जो A है, ये A है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जिस वायर का एरिया बड़ा होगा, जो मोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, मतलब ये ज्यादा तो ये कम, ये ज्यादा तो ये कम। यहां पर ऊपर वाली कॉइल में ये वाला एरिया ज्यादा है, ऊपर वाली मोटी है, मोटी है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये मोटी है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये जो वोल्टेज कॉइल है, ये क्या है? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि उसका जो एरिया है वो कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। फॉर्मूला, ये वाटमीटर का सिंबल कैसे बनाते हैं?
वॉट मीटर में कितनी कॉइल्स होती हैं? दो कॉइल्स। कौन कौन सी? वोल्टेज कॉइल एंड करंट कॉइल। अब आगे लास्ट, जो करंट कॉइल होती है वो लाइन के सीरीज में होती है। कहीं भी हमें करंट कॉइल लगना है तो दो वायर है उनके बीच में हम करंट कॉइल को लगाएंगे, मतलब लाइन के बीच में इंसर्ट करते हैं। और जो वोल्टेज कॉइल होती है वो दो लाइनों के बीच में लगाते हैं। जैसे सपोज यहां पर कोई अगर मैं वायर लूं और वॉट मीटर, जैसे सपोज ये वायर है, इस वायर में हम यहां एक कॉइल लगाएंगे, बीच में इंसर्ट कर देंगे उसमें करंट कॉइल। और अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है इसी वॉट मीटर में तो यहां इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, यहां पर और यहां पर, ये कहलाता है वॉट मीटर। तो वोल्टेज कॉइल हमेशा, ध्यान से सुनना, वोल्टेज कॉइल हमेशा लाइन के पैरेलल में रहती है, पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में। और करंट कॉइल जो होगी वो लाइन पे ही रहती है, सीरीज में लगी रहती है, क्योंकि वो करंट मेजर करेगी। वोल्टेज कॉइल वोल्टेज मेजर करेगा, वोल्टेज हमेशा दो टर्मिनलों के बीच में मेजर करते हैं, इसलिए वोल्टेज कॉइल को दोनों लाइनों के बीच में लगाते हैं और करंट कॉइल को लाइन के बीच में लगाते हैं, क्योंकि करंट हमेशा वायर में फ्लो होती है, इसलिए हम वहां पर उसको करंट कॉइल को इंसर्ट करते हैं। तो ये है वॉट मीटर का सिंबल, दो कॉइल्स, कौन कौन सी? करंट कॉइल एंड वोल्टेज कॉइल। एक का वायर का तार मोटा, दूसरे का पतला। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर वाले का ज्यादा। कहां से पता चला? R इक्वल टू रो एल अपॉन रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इट मीन मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। इन्वर्सली का मतलब उल्टा, जो ज्यादा दूसरा काम, दूसरा ज्यादा तो पहला वाला कम। ठीक है, इसको उतारिए पूरा जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए आप लोग सभी लोग, फाइंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग, फाइंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। इस क्वेश्चन को नोडल से सॉल्व करना है।
फाइंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तीन बजे आज फिर क्लास होगी, 3 बजे जो क्लास होगी वो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पे होगी। नोडल नोडल इस 3 में करंट निकालना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। इधर बैटरी रेजिस्टेंस 2, 6 एंड 1 यहाँ पर आपको एक सर्किट दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा आप लोग एक चीज ध्यान रख लें, लास्ट में सेशनल जब मैं फाइनल करूंगा तब एक एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करूंगा, फेयर कॉपी। तो आप लोग नोट्स बनाते चले, अभी बीच में फिर मैं आप लोगों से एक दिन पूरे नोट्स चेक करूंगा। तो आप लोग जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो बनाना शुरू कर दें, क्योंकि नोट्स लगेंगे। पूरे जितने लेक्चर्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, जितने नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, रखिएगा। आप लोग काम कंप्लीट रखेंगे, सेशनल बिल्कुल आपको मिलेंगे, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी बाद में। नोट्स आपको बनाना पड़ेंगे, कंपलसरी है नोट आपकी हैंड राइटिंग में। मैं आपको जो दे रहा हूँ वो आपको सिर्फ हेल्प के लिए दे रहा हूँ, आपको खुद को बनाना है अपने नोट्स। अगर कहीं कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन है, आप व्हाट्सएप पे वो टॉपिक बताएं, मैं बिल्कुल आपको मदद करूंगा, ठीक है। आज 3 बजे मुलाकात करेंगे, 3 बजे से लेके 4:15 बजे तक ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टॉपिक अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जिससे भी बन जाए आप लोग मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। थैंक यू।